डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम हीप ट्री। हीप ट्री आपको दे रखा है कैसे हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। डिलीशन से रिलेटेड गाइज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मिन हीप का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब ट्री को इंसर्ट करके आपको बताया था कि यार कैसे हम हीप को बनाते हैं, तो मैंने वहां पे आपको मैक्स हीप का एग्जांपल लिया था कि कैसे हम मैक्स हीप बनाते हैं। तो अब यहां पे मैं आपको ना मिन हीप लेके बता रहा हूं ताकि आपको सारे एस्पेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मिन हीप हमें दे रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से एलिमेंट्स है। अब मैंने यहां पर करना क्या है, डिलीट करना है। अब देखो जब भी हम किसी एलिमेंट को या की को डिलीट करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या मैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूं? नहीं, मैं डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता। रीजन क्या है, लेट्स से आप कहते हो कि सर 4 को डिलीट कर दो डायरेक्टली। अगर मैं 4 को डिलीट कर दूं तो क्या ये ACBT रहेगा? क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री रहेगा? नहीं। तो यार ये तो ACBT की प्रॉपर्टी ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगी, तो हीप ही नहीं बनेगा ये, तो फिर ऑब्वियसली सारा का सारा फंडा गलत। ऐसे ही 5 को डिलीट कर सकता हूं? नहीं। 6 को? नहीं। 2 को? नहीं। 3 को? नहीं। डायरेक्टली डिलीट नहीं मैं कर सकता। तो डायरेक्टली डिलीट हम किसको कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो मैं डायरेक्टली रूट को डिलीट कर सकता हूं या फिर लोएस्ट लेवल पे राइट मोस्ट एलिमेंट को। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला कि मैं डायरेक्टली सारों को डिलीट नहीं कर सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इनको मैं डिलीट डायरेक्टली नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली मैं एक एक करके स्टेप्स में कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट डिलीट करना है तो दो, एक तो आपका रूट वाला पोजिशन हो गया, दूसरा लोएस्ट लेवल पे आप कह सकते हो राइट मोस्ट वाला। तो जैसे 7 है, 7 को आप डिलीट कर सकते हो। लो जी कर दिया डिलीट, क्या हुआ? कुछ नहीं, कर दिया डिलीट, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में डिलीट हो गया। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हो डिलीट करने की ऑर्डर ऑफ 1, जैसे कि 7 को हटाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा एज इट इज। जैसे इंसर्ट करते हैं, नॉर्मल अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है, लेकिन वर्स्ट केस मैंने आपको बताया था लॉग एन। अब हम बात करते हैं वर्स्ट केस वाले की। तो देखो राइट मोस्ट लोएस्ट लेवल पे किया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में गया। अगर मैं अब यहां पे रूट को उठाता हूं, दूसरा पोजीशन कौन सी है, रूट। एक पोजीशन ये थी, उसको डिलीट कर दिया, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा। लेकिन अगर मैं ये वाली पोजीशन से एलिमेंट को हटाता हूं, लेट्स सी अगर मैं रूट यहां पे हटा देता हूं तो क्या होगा, रूट अगर मैं यहां पे हटाता हूं तो ये अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो यार ये तो किसी एंगल से ट्री ही नहीं लग रहा। ये तो क्या है, ये तो ट्री ही नहीं लग रहा किसी एंगल से। तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे 6 जो लोएस्ट लेवल पे राइट मोस्ट एलिमेंट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पे तो 7 था भैया, वो मान के चलो वो 7 हमने हटा दिया, अब बचे हुए में मैंने रूट को हटा दिया। जैसे इसका रूट ही हटा दिया, मुंडी हटा दी, भैया अब इसकी जगह कुछ लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको लोएस्ट लेवल पे राइट मोस्ट एलिमेंट को हटा दो और उसको लगा दो यहां पे। मतलब 6 को हटा के मैंने 6 को यहां पे लगा दिया। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नॉट, वही सेम चीज हम कर रहे हैं कि यार या तो आप डायरेक्ट ही हटा दो राइट मोस्ट एलिमेंट को, तो वो तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं हटा पा रहे तो फिर आप क्या करो, दूसरी पोजीशन थी आपकी रूट, तो रूट को मैंने डायरेक्टली हटा दिया, 1 को हटा दिया, लेकिन इसकी जगह पे लगाएंगे क्या, इसकी जगह पे लगाएंगे अगेन हम लोएस्ट लेवल पे राइट मोस्ट एलिमेंट। तो 6 था तो 6 को मैंने यहां पे लगा दिया। बट अब ध्यान देना है कि क्या ये मिन हीप बना हुआ है, नहीं, अब ये मिन हीप नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मिन ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही मिन ही बनाने के लिए देखो इसका जो पेरेंट है 6 वो बड़ा है, चाइल्ड छोटे हैं, तो छोटा चाइल्ड कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2। तो 2 को भैया इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ, मतलब 6 आपका यहां आ गया, 2 आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। अब 6 यहां पे आ गया, क्या ठीक रहेगा, नहीं, 4 छोटा है, 4 को यहां ले आओ, 6 को यहां ले आओ, तो जो फाइनल बनेगा, फाइनल आपका क्या बनेगा, 2 इधर आ गया, इसके इधर क्या आ गया, यहां पे 4 आ गया, ये 4 ऊपर चला गया था,
फोर के इधर क्या था, सिक्स आ गया, ये सिक्स इधर आ गया था, बाकी के एलिमेंट एज इट इज। तो लो जी अब ये बन गया आपका मेन हीप। तो अगर मैं लोएस्ट लेवल में राइट मोस्ट वाले को हटाता हूं तो दैट इज द बेस्ट केस, ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप रूट को हटाते हो तो रूट को हटाने के बाद, वैसे तो रूट को हटाने में ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगा, लेकिन भैया उसकी जगह जब आप नए एलिमेंट को भरोगे तो हो सकता है मेन हीप या मैक्स हीप की प्रॉपर्टी मिसमैच हो जाए। तो रीअरेंज करने में कितना टाइम लगेगा, अब आपके सामने है, रीअरेंज करने में कितना टाइम लग रहा है, मैक्सिमम वर्स्ट केस में आपके कितने लेवल्स तक कंपैरिजन और स्वैपिंग हो रहे हैं, लॉग एन लेवल्स तक स्वैपिंग और लॉग एन लेवल तक कंपैरिजन। तो यानी आप वही सेम आ गया आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन वर्स्ट केस में एंड ऑर्डर ऑफ वन बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या बोल सकते हो डिलीशन की। गेटिंग द पॉइंट, बस इंसर्शन और डिलीशन में यही फर्क है। इंसर्शन में हम करते क्या है, बॉटम से टॉप की तरफ चेक करते हैं और डिलीशन में हम टॉप से लेके बॉटम की तरफ अप्रोच फॉलो करते हैं, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एज इट इज सेम है। तो वर्स्ट केस में याद रखना लॉग एन, बेस्ट केस में वन, ऐसे इंसर्ट में भी बेस्ट केस में वन, वर्स्ट केस में लॉग एन एक एलिमेंट के लिए। अगर एन एलिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली आपकी एन एलिमेंट्स के लिए एन लॉग एन टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। सो दिस इज हाउ वी डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम मैक्स हीप और मिन हीप। थैंक यू।